तो चलो, तो गाइस बन गया फाइनली। देखिए पूरा फ्राई करके लाया लाया इसको, एंड ये पूरा परफेक्ट है। एंड ये है चिली सॉस, तो चिली सॉस के साथ डुबा के खाऊंगा मैं। और इसके साथ कैसा लगेगा आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? चलो ये लो, आप भी थोड़ा खा लो, भूखे होंगे, खा लो खा लो। तो गाइस अभी हम घर जा रहे थे, एंड ये देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, पूरी चपटी हो गई। जो इसके अंदर थे उनका हाल क्या होगा भाई, लोग पूरे चपटे हो गए इसके अंदर के। एंड ये गाड़ी है भंगार के बाहर है, भंगार में बेच दी इस गाड़ी को भाई। क्या हाल हो गया इसका, पूरा चपटाई कर दिए। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस आज देखिए हमारे घर पे क्या बन रहा है। यहाँ पर ये जो फूल गोभी है ना, इसका बन रहा है आज पकौड़ा, फूल गोभी के पकौड़े। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट किए, आगे का प्रोसेस आप देख लेना कैसे कैसे बनाने वाले हैं। तो अभी क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो अभी फिलहाल फूल गोभी का कटिंग चालू है, और मुझे थोड़ा काम भी अभी हो, क्या करना पड़ेगा मुझे, और लहसुन छिलना पड़ेगा। चलो इसके लिए लहसुन भी छिलना पड़ेगा, तो चलो मैं लहसुन लेके आता और छिलता हूँ। तो गाइस लहसुन लाते लाते मैं देखा, देखिए यहाँ पर किचन में आम दिखाऊ मैं। एंड इस साल का मतलब गर्मी चालू भी नहीं हुआ अभी, अगले महीने में मतलब मार्च में ज्यादा दिन बाकी नहीं अभी, तो भी इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े आम हो गए यार, मतलब खाना पड़ेगा यार इस आम को। मैं इस साल में फर्स्ट टाइम खाऊंगा अभी आम में, मस्त मजा आता है। कच्चे कच्चे आम को ना नमक और मिर्ची के साथ खाओगे ना मजा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो पहले इसको बाद में खाएंगे, पहले अपन जो बना रहे हैं ना फूल गोभी की, उसको बना लेते हैं। तो फूल गोभी पूरा कटिंग हो गया है, देखिए पूरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो बस मैं फटाफट से लहसुन छील लेता हूँ, फिर हो जाएगा रेडी। तो गाइस लहसुन छिलका हो गया, देखिए इतने सारे छिला में। तो एक्चुअली हमारा जो मिक्सर है वो खराब हो गया था, जो डब्बा लगता है ना ऊपर वो खराब हो गया है। उसने हम सिलबट्टे के ऊपर पूरा जी के मसाला जो बनाते हैं ना उसको सिलबट्टे ऊपर काम कर रहे हैं। एंड ये रहा अपना फूल गोभी, इसके अंदर अभी डल रहा है। जल्दी जल्दी बन जाएगा, आपको एक एक पॉइंट में दिखाऊंगा कैसे क्या बनता है। आपकी घर पे इसको बनाना बिल्कुल ट्राई करना, काफी मस्त लगता है खाने के लिए। सबसे पहले गैस चालू करना पड़ेगा, लोहे की कढ़ाई है। एंड ये रहा सब इंग्रेडिएंट्स, आप देख रहे इसमें फूल गोभी है, एंड इसके ऊपर वो लहसुन था ना उसका पेस्ट डाले। एंड यहाँ पर देखिए प्याज, और ये है सांबार। यहाँ पर तेल डालेंगे, तेल को गर्म करेंगे, फिर इसको कुछ तो भी मिक्स करेंगे। आगे आप देख लेना, हमें पता नहीं आगे आप देख लेना। तो ये कॉर्नफ्लावर है और ये मैदा है, ये दोनों इसके अंदर मिक्स होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर कांदा जा रहा है, इसमें सोया सॉस भी जाएगा। सोया सॉस अच्छा, ये रहा सोया सॉस, ये ना इसको बोलते ना सोया सॉस। चाहिए तो कढ़ाई में जा रहा तेल, अभी बहुत गर्म होगा, कढ़ाई पूरी गर्म है। ये क्या है, मैदा। ये है मैदा और ये है कॉर्नफ्लावर, सेम ही तो लग रहे दोनों। इसको क्या बोलते, छन्नी बोलते ना। इसमें जा रहा है अभी पाउडर, अभी गया कॉर्नफ्लावर। मैदे को थोड़ा कम देना है, कॉर्नफ्लावर को थोड़ा ज्यादा देना है। तो देखिए इतना सारा कुछ डला है, मतलब जो फूल गोभी है उसके हिसाब से डला है इसके अंदर। अभी इसके अंदर ये सोया सॉस जाएगा और पानी जाएगा ना, सोया सॉस और पानी मिक्स करेंगे, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कितना कुछ डालना है। ठीक है, मिर्ची का पाउडर भी डाल रहे हैं इसके अंदर भाई, कच्ची मिर्ची भी डाल सकते हैं पर हम मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। एंड इसके अंदर नमक, स्वादानुसार नमक डालिए आप। एंड ये सोया सॉस जाएगा अभी इसके अंदर, तो ये गया सोया सॉस। देखिए इतना कुछ डालना है, ज्यादा मत डाल देना। तो फिलहाल अभी इसका मिक्सिंग चालू, इसको मिक्स कर रहे हैं। पानी अब डाले नहीं पानी, पर डालेंगे थोड़ी देर के बाद पानी इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा, तब पानी कुछ डाले, जिससे कुछ जैसे आटा बुनते है ना वैसे ही कुछ इसको भुनना है। जो गोभी है ना उसके अंदर पूरा ये जो है ना मटेरियल मिक्स हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से उसको भुनना पड़ेगा। ये कुछ बन गया है, एंड कुछ इस तरह का रखना है आपको, ज्यादा सूखा भी नहीं ज्यादा गीला भी नहीं, कुछ इस टाइप से रखिए। एंड अभी ये फ्राई होगा, ये पहला गया फ्राई होने, दूसरा तीसरा चौथा। एंड इसको कम आज में रखना है, ज़्यादा आज में नहीं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कम आज में रखना है। एंड इसको पूरा अच्छे से अंदर से बॉईल होने देना है, बड़ा क्रंची होने देना है। उसका रंग थोड़ा हल्का हल्का जब भूरा मतलब लाल हो जाएगा ना हल्का हल्का सा, तब इसको निकालना है। तो देखिए पूरा फ्राई हो चुका है, देखिए कुछ इस टाइप का कलर हुआ है। अभी इसके अंदर जाएगा एंड नमक हुआ है, इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इतने सारे पीस लेकर आया हूँ नमक चेक करने के लिए, बहुत गर्म है। पहले ठंडा होने देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ कि नमक कैसा हो इसके अंदर। इसको पहले टेस्ट करके देखता हूँ, मैं थोड़ा गर्म है चल जाएगा। सही हुआ, परफेक्ट, बनाओ फटाफट, बहुत सारे पेट भर के खाऊंगा मैं। तो चलो, तो गाइस बन गया फाइनली, देखिए पूरा फ्राई करके लाया इसको, एंड ये पूरा परफेक्ट है। एंड ये है चिली सॉस, तो चिली सॉस के साथ डुबा के खाऊंगा मैं।
और इसके साथ कैसा लगेगा आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये लो, आप भी थोड़ा खा लो, भूखे होंगे, खा लो। अच्छा बनाया, पर चिली सॉस थोड़ा ना तेज है, चिली सॉस के साथ मैं नहीं खाऊंगा, अभी नॉर्मल खाऊंगा, फिर अच्छा लगेगा। और आप घर पे चटनी भी बना सकते हो, हमारा मिक्सर खराब हो गया ना, उसमें चटनी नहीं बना पाया। चटनी के साथ खाना टमाटर की चटनी, टमाटर को लेना, मिर्ची को लेना, लहसुन को लेकर नमक डालकर उसको मिक्स करके टमाटर की चटनी बना लेना, और उसके साथ खाना मजा आ जाएगा। एंड लिटरली यार काफी सही बना, अभी मैं फटाफट इसको खा लेता हूँ। तो गाइस फाइनली पूरा खाके हो गया, देखिए पूरा फिनिश कर दिया मैंने, पेट भर के खा लिया। तो गाइस देखते देखते शाम हो चुकी है, एंड आज हमारे घर पे बनाए थे फूल गोभी के पकौड़े, जो मतलब आप में से काफी सारे लोग खाए भी होंगे, एंड काफी टेस्टी बना था। और ऐसे हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने के भी बनते रहते हैं, पर काफी सारे ब्लॉग देखे होंगे मैं जो मैं खाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, वो मस्त टेस्ट बनता है। और आप भी घर पे भी बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना, अरे यार यहाँ पर ना काफी सारे गाड़ियाँ चल रही है मारखंडा ने कुछ दिन के बाद, इसलिए ना बहुत सारे यहाँ से बाइक्स कार्स बहुत जा रहे हैं, उसमें थोड़ा परेशानी हो रहा है ब्लॉग बनाने में, थोड़ा आप इसका आवाज़ थोड़ा इग्नोर करो। एंड हम जो घर पे बनाते हैं ना खाने की चीज़ें, वो उसको बनाने का भी प्रोसेस आपको बताता वीडियो में, तब घर पे इसको जरूर से ट्राई करना बना के, एंड काफ़ी मस्त टेस्टी बनेगा, आप पक्का बता रहा, काफ़ी टेस्टी बनेगा, आप खा के देखना। एंड अभी ना शाम हुआ है, तो थोड़ा चलो भाई घूम के आते हैं बाहर से। तो गाइस देखते देखते हम आ गए हमारे मतलब हमारा जो शहर है उससे बाहर आ गए, क्योंकि हमारा शहर उधर है, एंड शहर से बाहर है, और इधर ना डोंगरी करके गाँव है। अरे तू कहाँ से आ गया? इधर ही था मैं तो। अरे ये कहाँ से आ गया क्या? उधर डोंगरी है, रास्ता देख के याद है कि बना है, और थोड़ा बना लेते थे ना पूरा रास्ता कम्प्लीट हो जाता, एंड इतना सही रास्ता है ना, यहाँ पर अपन अपना स्केटबोर्ड लेके आएंगे और टेस्टिंग करेंगे कि रास्ता कैसा है। एंड बस स्टॉप भी आपको दिखा देता, बस स्टॉप उधर ही है, मतलब हाईवे से टच होके इधर आया, एंड बस स्टॉप बीच में है। तो चलो आपको दिखाता बस स्टॉप कैसा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और उसको आई थिंक एक साल से कम दिन में हो जाएगा, मतलब कुछ महीने में हो जाएगा कम्प्लीट। तो बस स्टॉप दिखा दूंगा, फिर घर की तरफ चले जाएंगे। ओए रास्ता चेक कर, रास्ता कैसा, मजबूत है क्या? गाइस बहुत मजबूत है, और चामोर्सी वाले जो भी देख रहे इस रास्ते से वो सही रास्ता है, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहा। तेरा वीडियो नहीं मेरा वीडियो है। तो गाइस अभी ये और मैं लगाएंगे रेस, मैं दौड़ूंगा और साइकिल चलाएगा, एंड वो जो मोड़ दिख रहा है ना आगे, उस मोड़ तक की रेस लगाएंगे, एंड देखते हैं कौन जीतता, ठीक है। 1 2 3 भाग, ये मैं जीत जाऊंगा मोड़ तक, ये बस नूब। जीत गया मैं, इस मोड़ तक आ रहा था, जीत गया भाई। अभी वो फूल गोभी के पकौड़े खाया ना, उसकी वजह से दौड़ नहीं पा रहा भाई, कैसा लग रहा है, थोड़ा बैठ जाता हूँ। चलो भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत मस्ती की है, अभी चलते घर की तरफ। ओए भाई चल घर, चल घर की तरफ चल, बहुत मस्ती हो गया इधर। तो गाइस अभी हम घर जा रहे थे, एंड ये देखिए इस गाड़ी का हाल, देखिए पूरी चपटी हो गई, जो इसके अंदर थे उनका हाल क्या होगा भाई, लोग पूरे चपटे हो गए इसके अंदर के। एंड ये गाड़ी है भंगार के बाहर है, भंगार में बेचती है इस गाड़ी को भाई, क्या हाल हो गया इसका, पूरा चपटाई कर दिए। तो गाइस फिलहाल घूम फिर के आ चुका हूँ घर पर, एंड पूरा थक गया यार साइकिल चला चला के। फिलहाल फैन का बटन चालू करता हूँ, एंड अभी थोड़ा लेट जाता हूँ यार, बहुत ज्यादा थक गया, वो साइकिल चलाया ना थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ अभी। तो गाइस हमारे घर दिन भर कुछ ना कुछ बनते रहता है, अभी देखिए क्या बनाया, केक बनाया, ये क्या बोलते हैं जो कांच का ग्लास उसके अंदर केक बनाया, अभी खाऊंगा मैं भाई, मेरे तो मजे है, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ। तो केक खाते हैं अभी, फ्रेश केक एकदम जबरदस्त है, मजा आ गया। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैं केक खाया था, फिर थोड़ी देर के बाद मैं खाया मतलब डिनर किया, एंड पेट पूरा फुल भर के दिन भर बहुत कुछ खाया। एंड कल का ब्लॉग में भी देखना, कल के ब्लॉग में भी बहुत सारे खाने की चीजें रहेंगे, क्योंकि ना हमारे पड़ोसी में एक भाभी उनके घर में है, कुछ तो भी है, क्या है उनके घर पे, अच्छा उनके घर पे है मुंडन, मुझे याद नहीं था घर पे मुंडन, तो परसों मुंडन, यानी कल उनके घर में कुछ बनाने वाले हैं, एंड परसों मुंडन है, तो आप कल के ब्लॉग में आपको फिर खाने का देगा, एंड परसों है मुंडन तब देख लेना। तो मैं अभी ना एक काम कर रहा हूँ, अपना जो रैप सॉन्ग है ना उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी आपको ब्लर दिखाऊंगा, आपको दिखा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि लीक हो जाएगा ना जो मतलब गाना है, मतलब गाने को मैं जब अपलोड करूंगा तभी आपको पता चलेगा गाने के लिरिक्स क्या है। पूरे पन्ने भर चुके हैं, देखिए इतने सारे पन्ने मैं लिख चुका हूँ, काफ़ी सारे गलत भी थे इसके अंदर, काफ़ी सारे सही भी थे, एंड काफ़ी जल्दी आ जाएगा मेरा रैप सॉन्ग, ज़्यादा दिन नहीं है, बस हो गया, बस लास्ट के 2 या 3 जो शब्द है ना वही लिख रहा हूँ मैं, बाकी शूट वूट करना है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आ जाएगा जल्दी। एंड गाइस अभी कर देंगे इस वीडियो के एंड, थोड़ा टाइम हो चुका है, एंड मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। सो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड Anxiety can foggy all this stuff.